Live reaction there coming in from Ashish Shelar. Let's listen to that reaction coming in. आणि म्हणून या पत्राला महाराष्ट्रातील जनता काही सीरियसली घेणार नाही आणि हे पत्र हा दावा नसून दिशाभूल आहे. आम्हाला वेडे ठरवणाऱ्यांची ही पागलपंती आहे. आज हमने टीव्ही के माध्यम से ये देखा कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ने राजभवन में जाकर सत्ता स्थापन करने का दावा किया है. ये बात और ये पत्र सत्ता स्थापन करने का दावा नहीं, ये महाराष्ट्र की जनता को गुमराह करने का पत्र है. जो कानून समझते हैं उनको पता है, कोई भी सत्ता स्थापन करने का दावा किसी दल या दल समूह को करना पड़ता है, तब वो दल या दल समूह किसके नेतृत्व में ये सत्ता स्थापन करेगी उसका उल्लेख करना जरूरी होता है. आज के इस पत्र में तीनों दलों ने मिलकर किसके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे या बनाना चाहते हैं इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया, ना वो तय कर पाए हैं. तो ये पत्र ये धोखाधड़ी का पत्र है, ये पत्र ये गुमराह करने का पत्र है. सुबह कुछ शिवसेना के प्रवक्ताओं ने वहां पर पागल होने की बात की थी. हम आज बताते हैं कि शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, आजकल एक नया पिक्चर निकला है उसी के नाम से कहना है तो इन तीनों दलों की ये पागलपंती है. क्योंकि इस पत्र में नेता मुख्यमंत्री कौन इसका उल्लेख नहीं. अभी तक तो कांग्रेस पार्टी ने अपने विधिमंडल दल का नेता ही चयन नहीं किया, तो उसका वहां पर हस्ताक्षर नहीं, राज्यपाल महोदय को उसके बारे में जानकारी नहीं. और तीसरी पार्टी एनसीपी, उसके दल के नेता आज भी संवैधानिक स्वरूप से अजीत पवार जी है और उनका व्हिप चलेगा, तो इस पत्र में उनके हस्ताक्षर नहीं. तो इसका मतलब ऐसी बॉडी खड़ी की है जिसका कोई शरीर है लेकिन उसका हेड ही नहीं. और इसके लिए पागल बनती है. ये पत्र सिर्फ कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने इसके लिए दिया है क्योंकि तीनों दलों में बहुत विधायक असंतुष्ट है. वो असंतुष्ट विधायकों को एक तरीके से समाधान करने का, गुमराह करने का यह प्रयास ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना का है. और इसके लिए महाराष्ट्र की जनता इसको कदही स्वीकारेगी नहीं. यहाँ पर सरकार देवेंद्र जी और अजीत पवार जी के नेतृत्व में है, वो आगे चलकर फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित करेगी. All right, that was Ashish Shelar, BJP leader, there very clearly talking about and slamming the affidavit that was submitted by the Sena, NCP and the Congress earlier in the day, the Maharashtra governor's office, calling it redundant and also citing some technical errors in that affidavit that was submitted.